हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज ईद का आई थिंक 5th डे है। क्या डे है आज? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज ईद तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, आज तो वर्किंग डे स्टार्ट हो गए हैं। तो सब लोग अपने ऑफिसेज़ वगैरह में चले गए हैं, और हमारे घर जो गेस्ट वगैरह आए हुए थे वो भी सब चले गए हैं। और अब मैं अपने रूम की बेडशीट चेंज करूँगी। कितनी गंदी हुई पड़ी है ये देखें। ये है मेरे कमरे का हुलिया, सारा गंदा हुआ पड़ा है कमरा। ये देखें, सोच रही हूँ कि मैं अपने कमरे की बेडशीट साफ़ करूँ, मतलब चेंज करूँ, और उसके बाद जो मशीन में कपड़े डालने हैं वो डालूँ, और देन मैं अपने बालों को ऑयल लगाऊँ, और फिर उसके बाद शावर लूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो गए ऊपर से। तो और एक तो मुझे थोड़ी सी भी ठंड होना, फ्लू और ज़ुकाम फ़ौरन नहीं हो जाता, गला ख़राब ये वो। बट अब चलें, मैं अपनी बेडशीट निकालती हूँ, दूसरे कमरे में पड़ी हुई है। इधर से निकालते हैं बेडशीट। पता नहीं मैंने रखी कहाँ हुई है, मुझे ये भी नहीं पता कहाँ पे मैंने रखी हुई है। ये सारी बेडशीट्स वगैरह भरी पड़ी हैं। इधर मैंने सारी बेडशीट्स रखी हैं, ये वाली बिछाऊंगी आज। एक ये भी मेरी बेडशीट है, ये मैंने अभी तक एक बार भी नहीं बिछाई है। ये भी ऑरेंज कलर की है और मैरून कलर की है। ये तो दूसरी बेडशीट के साथ के कुशन्स हैं, और ये भी कुशन्स हैं उसके। तो ये इसको तो मैं साइड पे रखूँ ना, ये वाले बिछाऊंगी। ये हार्ट शेप के हैं, ये देखें। इसमें भी मैं हार्ट वाला कुशन लेके आऊँगी, वो इसमें रखूँगी। और अभी फ़िलहाल जो मैंने बिछानी है वो तो लेके जाऊँ, ये वाली बिछाऊँगी, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो गर्मियों के तो बिछानी है फिर। कभी गर्मी हो जाती है और कभी सर्दी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। ये बिछाऊँगी अब इसके, मैं ज़रा ये चेंज करूँ और देन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरा टीवी ऑन किया हुआ है, सॉन्ग सुन रही थी, तो मैंने कहा कि मैं लाइव व्लॉग बना लेती हूँ, ताकि फिर सॉन्ग बंद हो जाएगा, फिर ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा, इसीलिए फिर मैंने सॉन्ग्स बंद कर दिए। कॉपीराइट आ जाना था, तो बस अब मैं इस रूम की सारी डस्टिंग करूँ और ये बेडशीट बिछाऊँ। 3 देर में आंटी काम वाली आ जाएंगी, तो वो सफाई करेंगी, देन मेरा रूम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाऊंगी। अभी तो बहुत ज़्यादा मैस हुआ पड़ा है, ये देखिए सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। ये इधर तो चलो ठीक है, ये वाली सारी गिरी पड़ी हैं। चले मैं, और उतनी देर में आई थिंक मैं ना बेडशीट तो मैंने बिछानी है, तो उससे पहले मैं ये कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल लेती हूँ, क्योंकि अब ये भी तो डालना ही है, और इसीलिए आई थॉट के पहले मैं ये कर लेती हूँ। और ये मैंने मेहंदी लगाई थी, ये देखें। पहले मैं इसमें कपड़े डालूँगी, ये कपड़े मैंने रखे हुए हैं सारे धोने वाले, और उसके बाद वैसे तो जो मैंने पहना हुआ ये भी मैंने धोना ही था, बट एनीवेज इसको तो मैं धो ही लूँगी बाद में। ये वाले कपड़े थे मेरे रात को पहनने वाले, तो वो सारे धोने वाले थे, तो मैंने सोचा कि पहले इसको धो लेती हूँ, ताकि ये तो सही हो। इसको धो, इसका ब्लैक कलर उतरेगा, ये डाल देती हूँ, ये नहीं उतरेगा, इसका नहीं उतरता इसका। इसके बाद उसको आई थिंक सबसे नीचे कर देती हूँ, अगर कलर उतरा भी तो नीचे वाले कपड़ों को लगेगा, इन कपड़ों को नहीं लगेगा।
साथ साथ कपड़े धुलते रहे ना तो फिर ज़्यादा नहीं होते। ये तो ईद की वजह से मैं धोए नहीं थे, वरना मैं साथ साथ ही धो लेती हूँ सारे, इतने ज़्यादा हो गए थे। अब ये इसमें आ गए हैं और अब जो ये वाले हैं ना इनको मैं बाद में धो लूँगी, ये भी वैसे अंदर डाल ही देती हूँ, इतनी स्पेस तो है ही है। ये देखिए मैंने ये डाल दिए सारे कपड़े, अब इसमें सब डालूंगी। वन स्कूप पूरा एंड वन एंड हाफ, थोड़ा सा हाफ और डाल देती हूँ, फिर अच्छे से कपड़े धुल जाते हैं। इसको मैं बंद करूँ, इसको नीचे करूँ और इसके साथ मैं वो वाइपर अड़ा देती हूँ ताकि पूरे वॉशरूम में इसका पानी ना फैल जाए। इसको ड्रेन में ही डालना था बट उसका यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था जो इसके साथ लगा के, जाहिर सी बात है इधर नहाना भी होता है तो फिर इधर लगना नहीं था, इसलिए फिर उसको उस वाले टैप के साथ जोड़ दिया ताकि ईजी हो के कपड़े तो धुल जाएँ। उसका बटन नीचे हो गया, अब इसको मैं चलाती हूँ। पानी नहीं आ रहा, इसका पानी मैंने खोला। वो देखिए पानी आ गया उसके अंदर। ये देखें मैंने मशीन चला दी, उसको चलती रहेगी धुलती रहेगी, उसके अंदर मैं कमरे की वो सारी सफाई हो जाएगी, देन उसके बाद सारी सफाई हो जाएगी और इंशाल्लाह मैं आपको एक दिन अपना रूम टूर कह रही हूँ, होम टूर भी दूंगी। इसको टीवी को बंद कर देती हूँ क्योंकि इसके फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं सॉन्ग्स तो चला नहीं सकती, ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा। अब मैं ज़रा अपने कमरे की सफाई कर लूँ, देन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें ये देखें मैंने कमरे की सफाई कर ली है, अब सारा क्लीन करके बेडशीट चेंज कर दी है। ये यार धुलने वाला बहुत गंदा हो गया, ये धुलेगा फिर अच्छा लगेगा रूम मेरा। अब ये देखिए सारे कमरे की सफाई कर ली है, ये भी सारा डस्ट से भरा पड़ा था, ये सारा साफ़ किया मैंने, ये सारे परफ्यूम्स और हर चीज़ साफ़ किया मैंने, और मैंने अपने सर पे ऑयल भी लगा लिया। अब मैं नहा के कपड़े चेंज करूँगी और मशीन से कपड़े निकालूंगी, बस आज बिजी डे ही है, काम 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 बस काम। शुक्र है इसके भी कुशन्स वगैरह मैंने उतार दिए हैं, ताकि ये भी बहुत गंदे हो गए थे, वाइट थे ना, तो इसलिए मैंने उतार दिए। अभी ये वॉश करके इसको मैं डालूंगी इसके ऊपर। होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर बनाऊँगी। काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें, और इंशाल्लाह 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 मैं फुल पूरी पूरा मतलब रोज़ वीडियोस बनाया करूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।